पुलिस अधिकारी बनकर जांच के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह फिर से जयपुर में सक्रिय हो गया है और इस बार गिरोह ने एक जवारत कारोबारी को अपना निशाना बनाया है। घटना कुंदीनगर भैरोजी के रास्ते की है, जहां पर जवाहरत कारोबारी सुशील अपने घर से बैग में करीब 2,88,000 रुपए की नकदी लेकर रवाना हुआ था। थोड़ी दूर पहुंचने पर ही दो बाइक सवार युवकों ने उसे रोका और खुद को पुलिस अधिकारी बताया। फर्जी पुलिस अधिकारियों ने ड्रग्स की सूचना होने पर बैग की जाँच करने को कहा। जांच के दौरान फर्जी पुलिस अधिकारियों ने अपने ही गिरोह के एक अन्य सदस्य को रोककर उसके बैग की तलाशी ली। इस दौरान इस गिरोह ने पीड़ित के बैग से 2,00,000 रुपए पार कर लिए। ठगी का पता लगते ही पीड़ित माणकचुक थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाली इस गैंग की तलाश कर रही है। तो वो अपने घर से एक बैग लेके जिसमें करीब 2,50,000 रुपए थे उनके पास में निकले थे, तो सामने पीछे से एक मोटरसाइकिल पे दो लोग आए, उनमें से एक को उस मोटरसाइकिल वाले ने साइड में उतार दिया और उसने जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने उस आदमी को रोका और बोला कि आपके बैग में हमें चेक करना है, पुलिस ऑफिसर हूँ, आपके बैग में ड्रग्स चेक कर लिया। उस वक्त ने कहा ठीक है आप चेक कर लीजिए। इतने में दूसरे लड़के को बुलाया, उसको कहा भी आपका भी बैग चेक करना है, जो उसके साथ में था उसके पास बैग था, उस बैग को चेक किया, उसके बाद में इस जो पीड़ित है उसको